हेलो हाय नमस्कार, मैं हूँ राजेंद्र कुमार। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि ये जो लॉकडाउन 21 दिन का भारत में चल रहा है और इस लॉकडाउन के चलते हमारी जो गाड़ियां हैं वो लंबे समय तक अपने गैराज में या अपने पार्किंग स्थल पर खड़ी रहने वाली हैं, और इन गाड़ियों को लंबे समय तक अगर हम खड़ी करते हैं, उसको स्टार्ट नहीं करते हैं, तो क्या क्या समस्याएँ आ सकती हैं और उनको कैसे हम दूर कर सकते हैं, तो वो आज हम लोग बात करने वाले हैं। तभी आप देख सकते हैं हमारे वीडियो का बैकग्राउंड जो है वो कुछ चेंज आप लोगों को लग रहा होगा। और हमारे देश में कोरोना का जो संक्रमण है वो काफ़ी तेज़ी से भी फैल रहा है। तो ये हमारे मेडिकल स्टोर की दुकान है और मैं यहाँ पर वीडियो भी बना रहा हूँ। हमारी गाड़ियाँ भी जो हैं वो लगभग 7-8 दिनों से लगातार खड़ी हैं। तो उन गाड़ियों में होता क्या है कि अगर आपकी पुरानी गाड़ी है, 1 साल 1.5 साल 2 साल पुरानी गाड़ियाँ हैं, तो उनकी बैटरी की जो लाइफ होती है वो धीरे धीरे कम हो जाती है। तो आपके बैटरी की ड्रेन की समस्या आ सकती है, और अगर कंटिन्यू आपकी गाड़ी 8-10 दिन खड़ी रहती है तो बैटरी जो है वो डिस्चार्ज हो जाएगी, जिससे आपको बाद में गाड़ी स्टार्ट करने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो ऐसे सिचुएशन में आप क्या कर सकते हैं कि अपनी गाड़ी का जो बैटरी है उसको आप समय समय पर थोड़ा सा रिचार्ज कर लें तो आपके लिए बेहतर होगा। रिचार्ज करने से कहने का मेरा मतलब है कि आप अपनी गाड़ी को 5-10 मिनट के लिए जहाँ पर खड़ी है वहीं पर उसको स्टार्ट करें, जिससे कि आपकी गाड़ी का जो बैटरी है उसमें थोड़ा सा चार्ज हो जाए, तो वो आपको ज़्यादा दिक्कतें नहीं देगा। तो सबसे पहले आपको सावधानी बरतनी है कि आपकी गाड़ी जहाँ पर खड़ी है वहीं पर गाड़ी को 5-10 मिनट आप आइडल पोजीशन पर स्टार्ट रखें, और साथ ही हो सके आपके पार्किंग स्थल पर थोड़ी बहुत अगर जगह है तो आप गाड़ी को थोड़ा आगे पीछे जो है वो गाड़ी को कर सकते हैं, ताकि गाड़ी का जो नीचे का जो टायर का हिस्सा है जो ज़मीन के नीचे आपके संपर्क में रहता है वो रोटेट हो जाए और वो जो है अपना शेप जो है वो चेंज कर ले। तो वो दूसरी सावधानी आपको बरतनी है। साथ ही आपकी गाड़ी में अगर कोई खाने पीने की चीज़ें हैं, जैसे कि चिप्स वगैरह हैं और कुछ ऐसे चीज़ें जो हैं बच्चे गाड़ी में अगर छोड़ दिए हैं, तो वो खाने पीने की चीज़ों को आपको गाड़ी से बाहर निकाल लेना है, और ताकि आपकी गाड़ी के अंदर में जो है वो चूहे ना जाए। खाने पीने की चीज़ें अगर यदि आप गाड़ी के अंदर में छोड़ते हैं तो गाड़ी के अंदर में चूहों के जाने की काफ़ी संभावना होती है, और आपके वायरिंग को वो कट करेंगे, जिससे आपको बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो गाड़ी के अंदर में जो भी खाने पीने की चीज़ें हैं उनको आपको बाहर निकाल देना है, और साथ ही गाड़ी के अंदर में अगर पानी की कोई बोतल है तो गाड़ी की बोतल को भी बाहर निकालना है। तो चलिए मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, हमारी गाड़ियाँ जो है यहीं पर सामने में ही पार्क में लगी हुई हैं, तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। तो यहाँ देख सकते हैं कि हमारी जो टिगोर है, तो टिगोर को यहाँ पर प्रकाश स्टार्ट 5 मिनट के लिए कर रहा है, और इस गाड़ी को थोड़ा बहुत जो है आगे पीछे ये करने वाला है और फिर गाड़ी को यहीं पर लगा देगा। तो चलिए मैं कैमरा स्विच करके आप लोगों को दिखाता हूँ। अभी यहाँ ब्लैक आप लोगों को दिख पा रहा होगा। तो ये देख सकते हैं, और हमारी गाड़ी के आप कड़क पार्किंग को भी यहाँ देख सकते हैं किस तरह से गाड़ी यहाँ पार्किंग की गई है। तो ये स्किल है गाड़ी को पार्क करने का, आप भी रेगुलर प्रयास करेंगे तो ये आपसे भी हो जाएगा, और जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आप ड्राइविंग में ट्रेंड हो पाएंगे। तो ये देख सकते हैं किस तरह से गाड़ी की यहाँ पार्किंग हुई है। तो पहले गाड़ी को आइडल होने देते हैं, और गाड़ी का जो RPM मीटर है वो नॉर्मल होने देते हैं, और उसके बाद गाड़ी को आगे पीछे थोड़ा सा किया जाएगा। तो ये देख सकते हैं गाड़ी को यहाँ से बाहर निकाला जा रहा है। बस यहीं पर ये जो चौक है यहीं से गाड़ी को थोड़ा सा इधर उधर टायर का रोटेशन करके और फिर से इसी जगह पर लगा दिया जाएगा, ताकि आपके गाड़ी के टायर सही सलामत रहें। तो अगर आपकी गाड़ी लंबे समय तक खड़ी करते हैं, ये अभी लॉकडाउन की स्थिति है, इसलिए अगर लॉकडाउन नहीं भी है और आप लंबे समय तक गाड़ी को अपने गैराज में लगा करके कहीं बाहर जाते हैं, तो उस दौरान भी आप ये कर सकते हैं, या आपके घर के आसपास
पड़ोसी हैं उनको आप चाबी दे करके उनसे कह सकते हैं कि 5 मिनट के लिए गाड़ी को स्टार्ट करके और थोड़ा सा इधर उधर मूव करा करके गाड़ी को लगाने कह सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ये स्किल्ड ड्राइवर की पहचान है। आप देख सकते हैं किस तरह से गाड़ी को यहाँ लगाया जा रहा है और आप देख सकते हैं कि प्रकाश यहाँ पर गाड़ी को कितना परफेक्ट लगाएगा। ये देखिए तो आपने देखा गाड़ी यहाँ पर दोबारा से पार्क हो गई है। और चलिए गाड़ी के अंदर में अगर कुछ खाने पीने की चीज़ें हैं तो वो देख लेते हैं। हालांकि प्रकाश इस गाड़ी से जो भी खाने पीने की चीज़ें हैं वो लगभग लगभग सारा पहले ही साफ़ कर चुका है और कुछ भी यहाँ न पानी की बोतल है न किसी तरह की कोई गंदगी नज़र आ रही है। तो इस तरह की आपको यहाँ पर सावधानी करनी है ताकि गाड़ी के अंदर में कोई भी खाने पीने की चीज़ें या बहुत बार बच्चे खाते पीते जो छोटे छोटे चिप्स होते हैं यहाँ जो फ्लोर मेट होता है वहाँ पर गिरा देते हैं। तो फ्लोर मेट को बाहर निकाल के एक बार पूरी तरह से उसको आप साफ़ कर दें ताकि चूहों को कोई गंध ना मिले और वो गाड़ी के अंदर में ना जाए। तो ये चीज़ आपको करनी है। तो चलिए टिगोर का जो है वो इंजन वार्म अप हो गया है और बैटरी भी इसमें थोड़ी बहुत चार्ज हो गई होगी, साथ ही गाड़ी के टायर भी आगे पीछे हो चुके हैं और गाड़ी में यहाँ बहुत दिनों से दवाई की पेटी थी तो वो निकाल लिया गया है। तो चलिए अब i20 को थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसके कवर को यहाँ से निकालना होगा तो उसको निकाल लेते हैं। तो प्रकाश को हमने कैमरा पकड़ने के लिए कहा लेकिन ये गाड़ी को यहाँ लगाया हुआ है तो इसको संतुष्टि नहीं हुई है। इसका मानना है कि गाड़ी थोड़ी सी और आगे जा सकती है। तो ये देखिए किस तरह से गाड़ी को आगे लगा रहा है। तो ये देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से गाड़ी यहाँ पर पार्क की गई है। मैं आपको क्लोजली दिखाता हूँ, ये देख सकते हैं मतलब इतना परफेक्ट पार्किंग जो है अगर आप रेगुलर प्रयास करेंगे तो ये स्किल आपके अंदर भी आ सकता है। तो ये कुछ इस प्रकार से टिगोर की पार्किंग हो चुकी है। अब मैं अपनी i20 को थोड़ा सा इसके इंजन को स्टार्ट कर लेता हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले इस गाड़ी के कवर को हटाना होगा। हटा करके मैं इसके इंजन को 5 मिनट के लिए स्टार्ट करता हूँ। तो चलिए इसके कवर को हटा लेते हैं। तो इसको ज़्यादा मैं बाहर निकालने वाला नहीं हूँ, सिर्फ गाड़ी के इंजन को स्टार्ट कर दूँगा। ज़्यादा कवर को मैं नहीं खोलने वाला हूँ, इतना ही खोलता हूँ और अनुमान से ही यहीं पर थोड़ा आगे पीछे मैं गाड़ी को कर लूँगा। तो इतना ही इसका कवर को खोलते हैं। तो ये देख सकते हैं गाड़ी सुबह सुबह के टाइम में जब स्टार्ट होती है तो ये कोल्ड स्टार्ट होती है, इसके चलते गाड़ी की जो RPM है वो ऑटोमेटिकली हाई हो जाती है। तो इसको थोड़ा सा नॉर्मल होने देते हैं और इंजन को वार्म अप होने देते हैं। और जैसे ही ये वार्म अप हो जाता है तो गाड़ी को थोड़ा सा आगे पीछे लुढ़काएँगे और फिर से इसको यहीं पर छोड़ देंगे। तो ये आप भी कर सकते हैं अपनी गाड़ी में ताकि आपकी गाड़ी का बैटरी जो है अचानक से डिस्चार्ज ना हो। हालांकि ये जो समस्या है बैटरी डिस्चार्ज का नई गाड़ियों में नहीं होता है, जनरली 1 साल के अंदर की जो गाड़ियां होती हैं उनको आप अगर 1 महीने तक भी स्टार्ट नहीं करते हैं तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। लेकिन जो पुरानी गाड़ियाँ होती हैं जो 2 साल 3 साल की गाड़ियाँ होती हैं वैसे गाड़ियों में बैटरी डिस्चार्ज की समस्या आती है। तो वैसे गाड़ियों को एक बार आप 8-10 दिन में ज़रूर स्टार्ट करें। तो चलिए हमारी गाड़ी वार्म अप हो गई है तो थोड़ा सा हम गाड़ी को पीछे करते हैं और आगे करते हैं। तो हालांकि
पीछे हमें कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा है, गाड़ी का जो कवर है हमने नहीं उतारा है, तो बस अनुमान से गाड़ी को हम आगे पीछे कर लेते हैं, इससे ज़्यादा नहीं करेंगे, कुछ पीछे स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ रहा है। चलिए अब आगे गाड़ी को ले चलते हैं। तो बस इतना ही गाड़ी का, तो बस इतना ही आप लोगों को भी करना है। और हमारे गाड़ी में भी कुछ खाने पीने की चीज़ें नहीं है। लास्ट टाइम हमने जब गाड़ी को पार्क किया था तो यहाँ से जितने भी खाने पीने की चीज़ें हैं उसे हमने निकाल दिया था, तो उसे हमें निकालने की ज़रूरत नहीं है। और लास्ट टाइम हमने गाड़ी को वॉश भी करवाया था, तो वॉश करवाने के बाद में जो फ्लोर मैट है वगैरह जहाँ भी है खाने पीने की चीज़ें जो है सारी यहाँ से निकाल दी गई हैं, और उनकी साफ़ सफाई करके हमने गाड़ी को यहाँ लगाया था, तो यहाँ से कुछ निकालने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि मुझे आप लोगों को बताना था, जिसके चलते हमने आप लोगों को कहा कि अगर आपकी गाड़ी में कुछ खाने पीने की चीज़ें हैं तो वो आप निकाल दें। हमने ऑलरेडी पहले ही इसको यहाँ से बाहर निकाल दिया है और अंदर पूरी गाड़ी को है साफ़ सफाई कर दी है, तो उसे हमें करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हमने ये थोड़ा सा आप लोगों को सजेशन दिया है। तो चलिए गाड़ी को यहाँ पर ढक देते हैं ताकि ये लंबे समय तक खड़ी रहेगी तो इसके अंदर में कोई इसी तरह का धूल और गंदगी ना जाए। तो उम्मीद है कि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, और अगर यदि आपका गाड़ी भी है और आप अपनी गाड़ी को अपने पार्किंग में या अपने घर में लंबे समय तक खड़ी रखते हैं तो आपको क्या क्या सावधानी बरतनी है, तो उन चीज़ों को आप जान पाए होंगे। तो मिलते हैं इसी तरह के किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, जय झारखंड, वंदे मातरम।